सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशाली, सद्गुण वैभवशाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंकित टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, आप भी इस वीडियो को बनाना चाहते हैं अपने फोन में, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि इस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि इस वीडियो कैसे बना सकते हैं अपने फोन से। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक पे दबा के आपको लाइक कर देना है। उसके बाद सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके आपको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इतना कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको शेयर पे क्लिक करके आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर कर देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेना है आपको। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस तरह से वीडियो को एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास काइनमेस्ट एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो काइनमेस्ट एप्लीकेशन में आपको ओपन हो जाना है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, आपको फर्स्ट लेयर साइड को सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट लेयर साइड को सिलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में जाने के बाद मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करने नहीं आता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में बताऊंगा इनमें कि इस वीडियो को आपको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो वीडियो आ जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से फिर लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको मीडिया में चले जाना है, और मीडिया में जाने के बाद आपको अपने फोटो को चूज कर लेना है। तो मैं अपने फोटो को चूज कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी फोटो को चूज कर लिया है। फोटो को चूज करने के बाद आपको यहाँ से पूरा बड़ा कर देना है नीचे से, ठीक है। इस साइड में आपको पूरा बड़ा कर लेना है। और इस फोटो को कहाँ से लगाना है मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 11 सेकंड से आपको लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टाइम, ठीक है, 11 सेकंड से आपको लगा लेना है, यहाँ से आपको लगाना है। उसके बाद आपको फोटो को कट कर लेना है आगे साइड से। कट कैसे करना है, आपको कैंसिल ऑप्शन पे जाना है, यानी आपको आगे से कट करना हो तो ट्रैम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हिट पे क्लिक करना है। अगर आपको पीछे से कट करना हो तो ट्रैम टू राइट ऑफ प्ले हिट पे क्लिक करना है। तब करना क्या है, आगे से कट करना है, तो हमें टाइम टू लेफ्ट ऑफ लेफ्ट पे क्लिक करना होगा, यानी फर्स्ट वाले पे, ठीक है। कट कर लेने के बाद हमें बैक हो जाना है, और बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ से इन एमिनेशन में चले जाना है। कैंची के नीचे आपको इन एमिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, एंड आपको नीचे पूरा आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, इंटर स्लाइड अप पे क्लिक करना है, ठीक है। इंटर स्लाइड अप पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है, और बैक हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाना है। क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से मास्क को इनेबल करना है, एंड यहाँ से स्पेस में चले जाना है। स्पेस में जाने के बाद आपको सेकेंड या थर्ड को चूज कर लेना है, तो मैंने सेकेंड को चूज कर लिया। उसके बाद आपको बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा फेदर, तो फेदर को आपको बढ़ा लेना है इस तरह से, ठीक है। बढ़ा लेने के बाद आपको करना क्या है कि नीचे से इसको थोड़ा सा कट कर लेना है, इतना आपको हाफ फोटो को रख लेना है। फोटो को हाफ रख लेने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से बैक हो जाना है, और बैक हो जाने के बाद इस फोटो को देख सकते हैं थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के लिए यहाँ से मोबाइल पे जाऊँगा मैं, यानी यहाँ से फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके इसको मैं सीधा कर लूँगा, ठीक है। सीधा कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है। बैक हो जाने के बाद आपको इस फोटो को जहाँ भी लगाना हो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इमिनेशन लगा दिया, तो वहाँ पे आप लगाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं इसको, ठीक है, जहाँ पे आपको लगाना है। फोटो को लगा लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सही कर देना है। सही कर लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा चलाकर देख लेंगे कि किस तरह से वीडियो बना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा चलाकर देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है फोटो लगने के बाद। आपको अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो में अपना नाम देना है। नाम कैसे देना है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नाम कैसे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। 11 सेकंड्स पे ही आपको नाम लगाना है, 11 सेकंड्स ही आपको नाम को लगाना है। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से टेक्स्ट पे चले जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद अपने नाम को ऐड कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग नाम अपना टाइप कर देते हैं अंकित, मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया अंकित राज, ठीक है, अंकित राज मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डबल ए, एक छोटा एक बड़ा, तो उस पर क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ से अपने हिसाब से कोई फॉन्ट चूज कर लेना है। हम लोग यहाँ पे कोई अच्छा से एक फॉन्ट चूज करके सही कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट चूज कर लेने के बाद यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको अपने हिसाब से एक कलर चूज कर लेना है, एंड आपको यहाँ से सही कर लेना है। सही कर लेने के बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शैडो, शैडो पे क्लिक करके आपको अपने हिसाब से कोई एक शैडो कलर भी लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं इस बार येलो को रख के सही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से ऊपर जाना है, एंड आपको इन एमिनेशन में फिर से आना है, ठीक है। इन एमिनेशन में आके आपको अपने हिसाब से कोई भी एक
लेमिनेशन लगा लेना है। तो मैं इस बार लगाऊंगा स्लाइड राइट पे, ठीक है। इस बार मैंने स्लाइड राइट को लगाया है, उसके बाद मैं बैक हो जाऊंगा। बैक हो जाने के बाद आपको इसे बड़ा छोटा करके अपने हिसाब से जहां भी लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहां पे लगा रहा हूं, उसके बाद मैं सही कर लूंगा। सही कर लेने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कुछ किस तरह से बन करके तैयार हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को आपको जितना भी रखना हो उतना रख सकते हैं, अभी इसे बड़ा भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको वीडियो को सेव कर लेना है। सेव कैसे करना है, इस सेव बटन पे क्लिक करना है और ऐसे इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आपका वीडियो सेव हो जाएगा। रही बात उस वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं आपको उस वीडियो को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ किस तरह से डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन किसे कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन को कैसे ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर 2020 वीडियो एडिटिंग। तो आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में बहुत सारे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वीडियो लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपको पूछा जाएगा क्रोम या ब्राउजर, तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोम पे ओपन किया हूँ, ठीक है। क्रोम पे ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जितना आपका नेट स्पीड स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा उसके हिसाब से आपको वेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो डाउनलोड पे क्लिक जैसे आप कीजिएगा तो आपका वीडियो जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स।